तो हेलो गाइस, आ चुके एक और फिर से न्यू वीडियो के साथ। और आज हम जाने वाले हैं जो कि वो सरप्राइज है, तो चलो मिलते हैं वीडियो में। हमारे गाड़ी में सीएनजी खत्म हो चुका था, वो जा रही है, अब लाइन में लग गई है। कब से वेट कर रहे थे डलने के लिए। चलो गाड़ी में कुछ इस तरह सीएनजी डलता देख लो आज, जिसने ना देखा हो भाई। हमें जाने में वहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, जो कि ये पुल बहुत बड़ा और लंबा भी है, तो मैं आपको ये पूरा रास्ता तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ। तो डायरेक्ट अब हम मिलते हैं फिरोजाबाद में, क्योंकि वहाँ देखो क्या कह रहे हैं, कौन से ढाबे पे, शिवा के ढाबे पे, शिवा के ढाबे पे, और चाय और बाकी जितनी भी चीज़ें हम सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि फिरोजाबाद में एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देख के थोड़ा शौक तो हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे चलो मिलते हैं। सब बात ये बता दो क्या, लेकिन उससे पहले मेरी फेवरेट शिवा के ढाबे की चाय, वो मिस नहीं होनी चाहिए, आपको भी ट्राई करवाएंगे। तो गाइज मैं यहाँ पे रुका था सीएनजी भरवाने के लिए दोबारा से, भैया वो जो कार में बैठे हुए थे। उसके बाद हमें मिलते हैं फिर से दो राइडर भैया से, वो जो सामने से जा रहे हैं, वो भी ब्लॉगिंग ही कर रहे हैं, उनकी बाइक उधर खड़ी है। तो मैंने सोचा उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लूँ, लेकिन वो भैया तो जब तक चले गए पता नहीं कहाँ, अभी इधर ही थे। चलो देखते हैं उनकी बाइक को की शूट लेते हैं, उनका ब्लॉग चैनल देखते हैं उनका भी, फिर अपना भी देखेंगे। तो गाइस आ चुके हम शिवा के ढाबे पे, ये देखो जो फेमस है स्टॉल का। अब यहाँ पे पियेंगे चाय, चलो देखते हैं। आ जाओ बाहर आ जाओ। ये रहा है शिवा का ढाबा, मशहूर चाय वाला है। आप भी अगर इस रोड पे आओ तो आप यहाँ पे ठहर के चाय नाश्ता कर सकते हो। गए टोकन लेने चाय के लिए, चाय उधर से मिलेगी टोकन। और भैया बढ़िया भैया, बिल्कुल गर्मी में मस्त है। उधर चढ़ रहा है देखो, तीर्थ यात्रा के जो लोग आते हैं उनके खाने पीने का चल रहा है। तो कुछ नाश्ते के लिए चाय ब्रेड पकौड़े ले लिए, और ये हरी चटनी बहुत ही फेमस है, मस्त है। देखो ये अंधेरा अंधेरा, यहाँ पर भीड़ भी बहुत है, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे का सबसे बड़ा ढाबा है यहाँ का शिवा ढाबा। ये आगरा को जाती है, वृंदावन जाती है, बहुत दूर दूर तक ये हाईवे चले जाता है। चलो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। भैया के चाय के साथ हो गया स्कैम। अरे भैया क्या स्कैम हो गया, मेरी चाय पे नज़र लगा दी किसी ने, चटनी में चाय और चटनी वन मिक्सिंग। कोई बात नहीं, मैं एक चाय और लूँगा, लेकिन चाय पी के जाऊँगा। किसी को बोलते शिवा का प्यार और शिवा का ढाबा। तो वैसे मिलते हैं अभी बाद में थोड़ा नाश्ता वगैरह करके।
हर दुकान में यहाँ छुड़ी मिल जाएगी। तो गाइस पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद के मार्केट, जहाँ पे जिसको बोलते हैं चूड़ियों का खजान या मैदान या पहाड़ कुछ भी बोल लो, यहाँ पे चूड़ियों का पूरा ही भंडार है। और भैया भी चूड़ियों के लिए बुकिंग दे रहे हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। अभी इससे भी ज़्यादा यहाँ पे है जो माल, अभी आएगा जो हम बुकिंग करवाएंगे वो लाएगा, क्योंकि यहाँ पे दुकान में बस इतने रखते हैं, बाकी वो स्टॉक रखते हैं अपने गोदाम में। तो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊँगा, बस बने रहेगा इस वीडियो में, और आपको भी बताना कि ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, मेरा सेकंड ब्लॉग है। वहाँ से एक दुकान ने तो बुकिंग दे दी है, बाकी अब जा रहे हैं हम दूसरे दुकान में बुकिंग देने। तो पीछे देख तो छुड़ी को कितना भंडार लगा। आपको मैं फ्रंट से दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पर पूरी लाइन। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे पूरा ही मार्केट चूड़ियों का है, यहाँ पे चूड़ी बन के इधर ही आती है, देख सकते हो। आगे दूसरे वाले भैया की चूड़ी के शॉप के पास। और भैया बढ़िया हो? बढ़िया बढ़िया भाई, और सब ठीक? सब बढ़िया। और भैया यहाँ पे भी बुकिंग देनी है क्या? हाँ भाई, तो माल नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। चलो बुकिंग दे लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो दूसरी दुकान पे दे रहे थे ऑर्डर, तो आज बड़ा ही कंफ्यूज सा हो गया, क्योंकि आज प्योर देसी हिंदी लिखाई राइटिंग मैंने देखी, जो कि पता ही नहीं चल रहा था आप लोगों को। मैं दिखा सकता हूँ भाई, एक बार दिखाना हिंदी की राइटिंग। आप देख सकते हैं शुद्ध देसी हिंदी जो पहले की तरह लिखते थे लोग, आज भी वो तरकीब चल रही है लिखने का। तो बड़ी तेज लगी भूख, तो लग गए गोलगप्पे खाने अकेले ही अकेले। वैसे तो मैंने खा लिया है, अंकल जी ने दे दिए मीठे पापड़े, चलो अब हम भी खा लेते हैं। परम आर हो रहा है लोड अपन आप रेखे पे जाने के लिए, तो आप कार पे तो रह जाएंगे, बाकी पैक हो रहे हैं ना। हाँ हाँ अंकल जी, ठीक है, लोडिंग हो रहा है पूरा। लो तो गाड़ी भी आ गई, चलो ऐसा लोड करवाते हैं माल। सही है भाई, आदमी है भाई, ऐसा मत करो, कुछ तो दो कम। कोई बात नहीं, तो हमारा माल आ चुका है, भैया गए हैं पार्किंग में से गाड़ी निकालने, तो अभी माल लोड होगा यहाँ पे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर के लिए। अभी भैया गाड़ी लेने गए हैं पार्किंग में से, उधर है पार्किंग। और ये अंकल जी, इनकी मेहनत के थे 150 रुपये, तो हमारे प्रेम भाव स्वभाव से इन्होंने 120 रुपये रेगी लगाए लाने के। बाकी देख सकते हो यहाँ पे भाई, देख सकते हो कि माल कहाँ कहाँ रखा रहा है, पीछे का भी मैंने दिखाया था आपको क्यों रखा है था। अभी तो गाड़ी खाली है भी, ये पूरा सामान देखते रहना, लास्ट में दिखाऊँगा कैसे पूरा फिट करा जाएगा। और अंकल बढ़िया भाई, चेक कर लो पूरी गाड़ी भर चुकी है भाई साहब, अभी फिर थोड़ा रह गया, इधर भर रहे हैं भैया, ये तो पूरी गाड़ी भर चुकी है, पूरी वैगनआर इज फुल। इसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए, तो फिर हम घर के लिए फिर जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं।